आज हम बात करेंगे एडिशन और प्रोबेबिलिटीज ऑफ सबसेट इवेंट्स बाय वेन डायग्राम। ए बॉक्स इज फिल्ड विद कैंडीज एंड चॉकलेट्स इन डिफरेंट कलर्स। वी हैव 40 व्हाइट कैंडीज, 24 ग्रीन चॉकलेट्स, 12 येलो कैंडीज, 24 येलो चॉकलेट्स एंड 20 ब्लू कैंडीज। इफ यू सिलेक्टेड वन आइटम फ्रॉम द बॉक्स विदाउट पीकिंग इन टू इट, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो आइटम और येलो चॉकलेट। हम देखते हैं जी कि हमारे पास डिफरेंट जो है आइटम्स हैं एक बॉक्स के अंदर। बॉक्स के अंदर क्या क्या आइटम्स हैं? 40 व्हाइट चॉकलेट्स हैं, ठीक है, व्हाइट कैंडीज हैं, 40 व्हाइट कैंडीज हैं, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं, ठीक है। उसके 24 ग्रीन चॉकलेट्स हैं, 24 ग्रीन चॉकलेट्स, ग्रीन कलर की इनकी रैपिंग की हम बात कर रहे हैं, चॉकलेट्स, ठीक है। 12 येलो कैंडीज, येलो कैंडीज, और इस तरह से हमारे पास 24 येलो चॉकलेट्स हैं, 24 येलो येलो चॉकलेट्स हैं, चॉकलेट्स। इसी तरह से और 20 जो है वो ब्लू कैंडीज हैं, ब्लू कैंडीज। ये हमारे पास टोटल बॉक्स में एक मौजूद है स्टफ, ठीक है। बल्कि मैं थोड़ा सा बेहतर बनाता हूँ। चलें जी, ये हमारे पास है, ये सब कुछ हमारे पास बॉक्स में मौजूद है, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि 40 वाइट चॉकलेट प्लस 24 प्लस 24, पहले देखते हैं टोटल कितना स्टफ है। 24 प्लस 24 48, 48 प्लस 12 60, 60 प्लस 40 100, 100 प्लस 20 120। इसका मतलब है जो हमारे पास सैंपल, जो हमारे पास पॉपुलेशन है, सॉरी हमारे पास सैंपल स्पेस जो है वो क्या बनती है, 100 120। हमने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, यानी अगर हम बगैर देखे बॉक्स में से कोई एक आइटम पिक करते हैं तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए येलो आइटम। यानी येलो आइटम का मतलब है या येलो कलर में हो, बेशक चॉकलेट हो या कैंडी हो, या येलो चॉकलेट हो, ठीक है, या येलो चॉकलेट हो। तो दो इवेंट्स हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे दो इवेंट्स की बात करूँ, इवेंट ए मैं कह देता हूँ, इवेंट ए है पिकिंग ए येलो चॉकलेट, पिकिंग येलो आइटम, पिकिंग ए येलो आइटम, येलो आइटम। और सेकंड बी है पिकिंग येलो चॉकलेट, पिकिंग येलो चॉकलेट। तो बगैर सवाल को करने से पहले हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये इवेंट्स किस नेचर के हैं। सबसे पहला स्टेप हमारे पास क्या होता है कि हम इवेंट्स की नेचर आइडेंटिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं पिकिंग ए येलो आइटम देखता हूँ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, येलो कैंडीज, 12 येलो कैंडीज हैं, ठीक है, और उसके बाद 12 ही हमारे पास जो है वो येलो चॉकलेट्स भी हैं। तो 12 प्लस 24 36, ठीक है। इसका मतलब है पिकिंग ए येलो आइटम क्या है, 36 ओवर 24, टोटल क्या है 120, 36 और 120। यानी पिकिंग येलो आइटम 120 आइटम में से येलो आइटम पिक करने की प्रोबेबिलिटी है 36 ओवर 120, ठीक है। पिकिंग येलो चॉकलेट, अब अगर येलो चॉकलेट पिक करते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 24 ओवर 120। लेकिन अब देखें, जब आप येलो को काउंट कर रहे हैं तो आपने येलो तो यहां पे काउंट कर रखा हुआ है, येलो यहां पे काउंट कर रखा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम कह सकते हैं कि इवेंट बी जो है इज अ सबसेट ऑफ प्रॉपर, ये स्ट्रिक्ट सबसेट कहते हैं, ये प्रॉपर सबसेट, इवेंट बी जो है वो सबसेट ऑफ इवेंट ए है, ठीक है। यानी जब आपने इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी लिखी तो उसमें इवेंट बी ऑलरेडी शामिल था, चूंकि बी सबसेट है ए का, ठीक है। तो इस केस में अगर हम बाय डेफिनेशन देखें प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए और बी, तो उसमें हम क्या करेंगे, इवेंट ए और बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। तो आप देख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, 36 ओवर 120, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, 24 ओवर 120, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, यानी येलो बी हो और चॉकलेट भी हो, तो येलो बी हो और चॉकलेट भी हो कितना है, 24। अगेन 24 ओवर 120 आप माइनस भी करें, 24 ओवर 120 आप माइनस भी करें, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन क्या आ जाएगी, 36 और 120। तो अगर आप देखें 36 और 120 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए,
इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो यहां से मालूम हुआ कि जब जो है सबसेट हो, यानी एक इवेंट दूसरे इवेंट का सबसेट हो, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो है वो इक्वल हो जाती है जस्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपरसेट के इक्वल, प्रोबेबिलिटी ऑफ सुपरसेट के इक्वल, क्योंकि ए जो है बी जो है वो ए का सबसेट है, बी जो है ए का सबसेट है, तो ए जो है बी का सुपरसेट हो गया। तो अगर इवेंट्स एक दूसरे का सबसेट हो तो आप सिर्फ सुपरसेट की प्रोबेबिलिटी ले ले, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी के इक्वल होगी।